एक दिन तिहार जेल में बोलेश नाम का एक बड़ा बिल्डर कैदी बनकर आया। उसको मुन्ना नाम का और एक कैदी के सेल में डाल दिया। सर, आप तो बड़े बिल्डर हो ना, क्या अपराध करके जेल में आए हो सर? मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है यार, मैंने आजकल बनाया हुआ 2-3 फ्लाईओवर्स टूट कर गिर गए हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 100 लोग मर गए होंगे, इतना के लिए मुझे 7 साल के लिए जेल में डाल दिया है यार। तब मुन्ना चौंक गया। लंच टाइम पर कैदियों को रोटी दिए। बोलेश का प्लेट को मुन्ना को देकर, इस जेल का रोटी मुझे खाने की जरूरत नहीं है, इसको भी तुम खा लो, मैं सेल के अंदर जा रहा हूँ। फिर आप क्या खाओगे सर? मटन बिरयानी खाने को सोच रहा हूँ यार। तब मुन्ना को कुछ समझ में नहीं आया। मुन्ना सेल के अंदर जाकर देखा तो बोलेश मटन बिरयानी खा रहा था। तब मुन्ना चौंक गया, सर ये कैसे आए हैं सर? वैसे ही बोलेश सेल में कई तरीके के खाना खाने लगा। एक दिन मुन्ना, सर ये टेंशन में नहीं जेल पा रहा हूँ सर, आपका खाने का राज क्या है बताइए सर प्लीज। तुम अच्छे हो इसलिए तुमको सच बता रहा हूँ, इस जेल को मैंने ही बनवाया था, मैंने जो किया उन क्राइम्स के लिए एक ना एक दिन जरूर मुझे इधर आना पड़ेगा, ये मुझे मालूम था, इसलिए इसके अंदर में अंडरग्राउंड टनल्स बनवाया, हर सेल को इस अंडरग्राउंड टनल के साथ कनेक्शन लगाया, आ जाओ दिखाता हूँ। कहकर सेल का फ्लोर से पत्थर को उठाया और दोनों अंडरग्राउंड टनल में घुस गए। उस टनल में थोड़े दूर जाने के बाद एक जगह में सीढ़ियां थे, उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर गए। देखा तो वो एक होटल था, मुन्ना तो चौंक गया। ये होटल तो हमारा ही है, अरे ओ वेटर, हम दोनों के लिए 2 चिकन बिरयानी, 1 फुल तंदूरी, केक्स और आइसक्रीम्स को पार्सल करो, टाइम नहीं है, टनल में ही खाते खाते जाएंगे। तब मुन्ना खुशी से फूले समा नहीं पा रहा था। वो दोनों बिरयानी केक्स आइसक्रीम्स को लेकर टनल में खाते खाते गए और वापस उनके सेल में पहुंच गए। वैसे ही वो लोग रोज टनल से जाकर बिरयानी लाने लगे। एक दिन जेलर सुबोध उनके सेल के पास आया। तब बोलेश और मुन्ना अच्छा बिरयानी खा के अच्छे से खराटे लेके सो रहे थे। ये क्या है, इनके सेल से बिरयानी का खुशबू आ रही है, ये फ्लेवर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जैसा लग रहा है, सोचा। एक दिन सुबोध उनके फैमिली के साथ बोलेश के होटल में गया। तब एक सर्वर आके, नमस्ते सर, आप तो हर हफ्ते आते हैं ना, मगर लास्ट वीक क्यों नहीं आए हैं सर? कुछ काम में फंस गया था इसलिए नहीं आ पाया, हमारा फेवरेट बिरयानी को लेके आओ। फिर वो बिरयानी को लाके दिया। उस बिरयानी का खुशबू को सूंघते ही सुबोध को जेल में जो खुशबू आया वो याद आया। एक दिन मुन्ना सुबोध से, अच्छा सर मुझे एक डाउट है, आपको इतना इजी एक्सेस है ना, लेकिन आप इतने दिन भागे क्यों नहीं हो? मुझे बाहर दुश्मन से बहुत खतरा है यार, बाहर से ज्यादा जेल ही सेफ लगता है, अब मेरा लोग मेरे एनिमीज को एलिमिनेट किया है ऐसा सुनने में आया, कल ही मैं एस्केप हो रहा हूँ, तुम भी आओगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, आने वाले महीने ही मैं जेल से रिहा हो रहा हूँ, लेकिन मैं अंडरग्राउंड टनल से रोज आपके होटल से बिरयानी लेता हूँ सर, प्लीज। ओके, उसमें क्या है, ले लो ले लो। अगले दिन बोलेश टनल के अंदर घुस के वहां से चला गया और फिर उसके होटल में पहुंचकर बाहर आया। फिर उधर देखा तो सुबोध पुलिस के साथ था। अच्छे से बिल्डिंग को ना बनाकर अंडरग्राउंड टनल बनाओगे? अब से तुम्हारा जेल ये तुम्हारा टनल ही है, इसको सब तरफ से बंद करवा के एक छेद से तुम्हें जेल का रोटी देंगे, अब तुम्हारा जिंदगी चूहे का जैसा होगा, कहकर उसको बहुत पीटा। उस दिन से बोलेश उसके टनल में रहने लगा और उन लोगों का दिया हुआ सड़ा हुआ रोटी खा के जीने लगा। एक गांव में प्रेम कुमार नाम का एक गहनों का व्यापारी था। वो शिप में दुबई से सोने की स्मगलिंग करता था। बिना टैक्स के सोने को जेवर में बदलकर दुकान में बेचने लगा। इस तरह वो करोड़ों रुपए कमाया।
एक दिन प्रेम कुमार अपनी पत्नी प्यारी से, मैं मेरे ब्लैक मनी का क्या करना है समझ नहीं पा रहा हूँ री, इसीलिए एक उपाय निकाला। हमारे गांव में एक बड़ा सोने का घर बनाऊंगा, उसे ताजमहल की तरह हमारे प्यार की निशानी वैसे प्रचार करूंगा। आईटी डिपार्टमेंट आजकल मुझ पर बहुत निगरानी रख रहे हैं, इसीलिए हमारा गोल्डन हाउस पूरा हो जब तक कुछ दिनों के लिए मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। तुम सबको बोलो कि मैं मर गया और प्यार से मैंने तुम्हारे लिए गोल्डन हाउस बनाया। ऐसे कहते हुए जोर से रोना, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप क्या बोल रहे हो जी, गवर्नमेंट को टैक्स बिना दिए ये चोरी के पैसे कमाना ही क्यों? फिर उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी? आपको तो मुझ पर कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बात मुझे पता है। हमारे लिए वो सोने का घर बनाए ये कहकर मैं भला कैसे रोऊंगी जी? जिंदगी में ऐसे नाटक करना पड़ता है री, तब ही हम ऊपर आते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। प्यारी सर पकड़ ली। प्रेम कुमार बहुत मजदूरों को रखकर जायंट गोल्डन हाउस बनाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वो घर पूरी तरह से बन गया। एक दिन मजदूरों का मेस्त्री मनीष, सर आप जैसे बोले वैसे घर बनाए, मजदूरों को बहुत पैसे देना बाकी है, कम से कम अब तो पैसे दीजिए सर, वे बेचारे बहुत मुश्किल में हैं। अब पैसा कहाँ से लाऊं? मेरे सारे पैसे तो ये जाइंट गोल्डन हाउस बनाने में ही खत्म हो गए। वैसे मजदूर है तो कभी उन्होंने इतना सोना देखा भी है क्या? मेरे सोने का घर बनाना ही उनके लिए बड़ी बात है, उससे खुश होने के लिए कहो। हमारे पास अग्रीमेंट बिल वगैरह नहीं है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। मनीष को बहुत गुस्सा आया। प्रेम कुमार का परिवार उस जाइंट गोल्डन हाउस में रहने लगे। प्रेम कुमार प्यारी से, मैं कुछ दिन तक घर के नीचे बनाए अंडरग्राउंड में रहूंगा। आईटी वालों को, मीडिया वालों को जैसे मैं कह रहा हूँ वो कहो, रोज मुझे अच्छे से खाना लाकर खिलाना। वैसे प्रेम कुमार अंडरग्राउंड में अच्छे से सोने लगा। एक दिन प्रेम कुमार के लिए दो दिन तक प्यारी खाना लेकर नहीं आई। वो अंडरग्राउंड की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया, वहाँ एक खाली जगह पर पहुंचा। उसका जायंट गोल्डन हाउस नहीं दिखने की वजह से वो घबरा गया। इतने में मनीष पुलिस ड्रेस में वहाँ आया। प्रेम कुमार आश्चर्य में पड़ गया। रे, मैं मिस्त्री नहीं हूँ और वे मजदूर भी नहीं है, कॉन्स्टेबल्स हैं। तुम्हारे सारे घोटालों के बारे में तुम्हारे पत्नी ने हमें पहले ही बता दिया था। तुम्हारे पास जो सोना है वो सब बाहर निकालने के लिए हम ऐसे किए, हमने तुम्हारा सारा सोना सरकार के हवाले कर दिया है और तुम्हारे घर को मिट्टी से बनाए थे, पर सोने का रंग डाले। कल रात तेज बारिश होने की वजह से घर पिघल गया होगा, चूहा अपना बिल से कब बाहर आएगा इसका इंतजार कर रहे थे। यू आर अंडर अरेस्ट। प्रेम कुमार बेहोश हो गया। कुछ सालों बाद प्रेम कुमार जेल से छूटा, एक किसान के खेत में ईमानदारी से काम करने लगा। आपको अब देखूं तो बहुत गर्व महसूस होता है जी, मेहनत करके कमाए पैसों से ही पेट भरता है। चोरी के पैसों से मैं अपने बच्चों को पाल नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसे किया। मुझे समझ आ गया री, 4 साल जेल का खाना खाने के बाद मुझे जिंदगी के बारे में पता चला, मुझे माफ करो। इससे वो बहुत खुश हुई। एक गांव में बाहु नाम का एक मेस्त्री रहता था। उसने अपने गांव में बहुत सारे घर बनाए। एक दिन बाहु उस गांव वालों को समावेश किया। गाँव वासियों, तुम्हें पता है कि मैं इस गांव में बहुत सारे घरों के नींव डालकर उन्हें अच्छे से बनाया है कहकर मुझे एक बात समझ आई कि अपने गांव के जमीन के नीचे सोने का खजाना है। अगर हम खोद कर उन्हें निकाले तो हम अपने सिंगिनापुर को सिंगापुर के जैसे बना सकते हैं। अपनी खुशकिस्मती ये है कि अपने गाँव के नदी के ऊपर एक भी ब्रिज नहीं है, उसके वजह से बाहर के लोग उतने आसानी से अपने गाँव में नहीं आ सकते। गांव का बड़ा सुखदेव, तुम्हारी बात तो ठीक है मगर अपने गांव को एक ब्रिज सैंक्शन हुई है ना, अगर वो बनाए तो अपने गांव को जो चाहे वो लोग आ सकते हैं। मैं भी उसी के बारे में बोल रहा हूँ, अपने गांव के ऊपर हर दिन सैटेलाइट फिरते रहते हैं, यहाँ सोने के खजाने हैं कहकर बहुत जल्द अधिकारी पता कर लेंगे। उनके यहाँ आने से पहले ही हमें सोना निकाल कर अमीर बनना होगा।
तो फिर ब्रिज का क्या होगा? गांव वाले नदी पार करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ना? वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। अपने गांव में कोई भी कदम ना रखे जैसे मैं उस ब्रिज को बनाऊंगा। अब से अपने गांव के लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के दिए पैसों से हम ब्रिज बनाएंगे, उसके साथ साथ अपने गांव को भी बचाएंगे। ठीक है बाहू, मैं और सारे गांव वाले तुम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं कल तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालूंगा, ब्रिज का काम शुरू करो। बाहू थोड़े महीनों के अंदर उस गांव के नदी के ऊपर एक पाइप ब्रिज बनाया। गांव के लोग उस ब्रिज पर चढ़ने के लिए डरने लगे। बाहु उस गांव में जेसीबी के मदद से खुदाई करना शुरू किया। वहां सोने के खजाने मिले। वो देखकर सुखदेव और गांव वाले बहुत खुश हुए। सरकारी अधिकारी बड़े बड़े गाड़ियों में उस गांव के अंदर आने के लिए कोशिश किए, मगर उस पाइप ब्रिज को देखकर डर कर पीछे हटे। बाहु उस गांव में मिले सोने को बोरियों में भरकर ले गया। उन्हें प्राइम मिनिस्टर को देते हुए, सर ये पूरे देश की जायदाद है कहकर मुझे पता है, मगर मेरे गांव के लिए मामूली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। हमारे गांव में सोना मिलेगा कहकर पता चले तो हमारे गांव को नाश करके खोदना शुरू करेंगे। इसीलिए मैंने उस पाइप ब्रिज को बनाया है। मैं आपको लगातार सोना लेकर देते ही रहूंगा। मैं आपके अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करूंगा, मगर मेरे गांव को सिंगिनापुर से सिंगापुर बनाओ सर, साउथ अफ्रीका के जैसे लौटना मत। एक साधारण मेस्त्री अपने गांव के लिए इतना सोचा तो मैं मेरे देश के बारे में और कितना सोचूंगा। बोलो तुम अपना काम करो। बहुत कम समय में ही सिंगिनापुर सिंगापुर में बदल गई। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, सब लोग बहुत अमीर बन गए। उस गांव के लोग बाहु का सम्मान किए।